क्या आपको पता है खत्म होने जा रहा है एक युग? जी हाँ, आने वाले 10-15 सालों में एक पीढ़ी संसार को छोड़कर जाने वाली है, जो कि है सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र इस समय लगभग 60-75 साल की है। इस पीढ़ी के लोग बिल्कुल ही अलग हैं। रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, भोर में घूमने निकलने वाले, आंगन और पौधों को पानी देने वाले, देव पूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले, रास्ते में मिलने वालों से बात करने वाले, उनका सुख दुख पूछने वाले, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले, पूजा किए बगैर अन्न ग्रहण न करने वाले, उनका अजीब सा संसार, तीज त्योहार, मेहमान, शिष्टाचार, अन्न दान, सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा, रीति रिवाज, सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाले, पुराने फोन पर ही मोहित, फोन नंबर की डायरिया मेंटेन करने वाले, रॉन्ग नंबर से भी बात कर लेने वाले, अखबार को दिन भर में 2-3 बार पढ़ने वाले, हमेशा एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी याद रखने वाले लोग, भगवान पर प्रचंड विश्वास रखने वाले, समाज का डर पालने वाले, पुरानी चप्पल, बनियान, चश्मे वाले लोग, गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का पुराना सामान इस्तेमाल करने वाले और हमेशा देशी टमाटर, बैंगन, मेथी, साग भाजी ढूंढने वाले, अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई बेटा, कहने वाले, हमारी बीमारी पर नजर उतारने वाले लोग। क्या आप जानते हैं ये सभी लोग धीरे धीरे हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा है? यदि हाँ तो उनका बेहद ख्याल रखें, अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख उनके साथ ही चली जाएगी। वो है संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा देने वाला जीवन, मिलावट और बनावट रहित जीवन, धर्मसम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन और सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन। आपके परिवार में जो भी बड़े हों, उनका मान सम्मान और अपनापन, प्यार और खासकर अपना समय दीजिए और हो सके तो उनके कुछ पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही मायने में यह मानव इतिहास की आखिरी पीढ़ी है जिसने अपने बड़ों की सुनी और अपने छोटों की भी सुन रहे हैं। यही है वो सीनियर सिटीजन। बात छोटी सी है लेकिन सोचने लायक है। आप भी सोचिए और अच्छा लगा हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।